नमस्कार व्यूअर्स, अगर आप SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जॉब करना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देखें। आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है SBI पे जॉब करने के लिए, क्योंकि SBI 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट अपडेट हो चुका है, यानी अपडेट कर दिया गया है एंड ऑलरेडी अप्लाई करने के लिए डेट भी दे दिया गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है, इसका लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और एडुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन स्टार्ट और एंड डेट के बारे में बताऊंगा। ओके, तो उससे पहले फ्रेंड्स आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी चैनल से आप लोगों को इस तरह वैल्यूएबल वीडियो मिलते रहेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरह ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर चुका है एंड यहाँ पे ओपन भी कर दिया है। आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा। अदरवाइज आप ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में से आपको मैं दिखाता हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। पहले यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट दिए गए हैं 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक दिए गए हैं, यानी उससे पहले यानी 25 अक्टूबर 2021 से पहले आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके, एंड पेमेंट एप्लीकेशन फी यहाँ पे डेट दिए गए हैं 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर से पहले आप लोग पेमेंट करना पड़ेगा आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एज लिमिट। यहाँ पे एज दिए गए हैं, देखिए बिलो 21 ईयर्स एंड सॉरी नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स, यानी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। देखिए शेड्यूल कास्ट SC एंड ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस जैसे नॉन क्रिमिनल अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका भी प्रोसेस मैंने दिखा है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, इसका वीडियो है मेरे पास, आप लोग देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है कैसे आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एंड विद इन 10 डेज के अंदर आप सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 15 ईयर्स रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे कि SC ST एंड OBC जनरल के लिए 10 ईयर्स रिलैक्सेशन एंड 15 ईयर्स रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना दिया गया है यहाँ पे, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं तो आप यहाँ पे इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे और इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं, मैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन मेन एग्जामिनेशन यानी जनवरी 2020 पे रिजल्ट 22 पे रिजल्ट दिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको एग्जाम लिया जाएगा फेज 1, 2, 3 यानी 3 पेज से आपको एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जाम यहाँ पे देखिए नवंबर एंड दिसंबर 2021 पे होगा एंड फेज 2 ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा दिसंबर 2021 एंड थर्ड यानी इंटरव्यू आप लोगों को लिया जाएगा 2nd and 3rd week ऑफ फरवरी 2022 पे। इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फरवरी यानी मार्च 2022 पे आप लोगों का फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह किया जाता है, इसका लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। ओके, तो व्यूअर्स, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेब पेज है वही पेज ओपन होगा जहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप मोबाइल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो अपने मोबाइल पे लैंडस्केप मोड आपको करना पड़ेगा, यानी देखिए यहाँ पे दिस वेबसाइट इज व्यूएबल ओनली इन लैंडस्केप मोड। आपको अपना मोबाइल पे जो स्क्रीन है वो रोटेट करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लैंडस्केप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका कंप्यूटर पे इजीली ये पेज ओपन होगा। तो मोबाइल पे अगर कर रहे हो तो लैंडस्केप मोड ओपन कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ जी हाँ, मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल पेज है वही पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल डेट भी यहाँ पे दिया गया है, देखिए तो ये डेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप न्यूली अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए ऑनलाइन अप्लाई यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके, इसके बाद भी और सबके साथ नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 6 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, यानी 6 स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला स्टेप होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना, इसका डिटेल्स आपको फिलअप करना, इसका प्रीव्यू पेज ओपन होगा, इसके बाद अपलोड सेक्शन ओपन होगा, इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे क्या क्या कलम दिया गया है। यहाँ पे देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पे पहले फास्ट नेम दीजिए यहाँ पे, इसके बाद कंफर्म फास्ट नेम आपको देना पड़ेगा, उसका मिडिल नेम है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो ये कलम।
इसका कॉन्फर्म मिडिल नेम भी दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट नेम आप दीजिए यहाँ पे, एंड लास्ट नेम कॉन्फर्म लास्ट नेम भी यहाँ पे दीजिए, इसका फुल नेम यहाँ पे टाइप कीजिए। ओके, इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे अपना वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए, यहाँ पे 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिए, उसके बाद कॉन्फर्म मोबाइल नंबर दीजिए, उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ये कलम स्किप कर सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिड ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, एंड कॉन्फर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो ये जो कैप्चा है, ये इमेज शो कर रहा है, ये इमेज यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए कुछ एरर यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए ईमेल आईडी एंड कॉन्फर्म ईमेल आईडी शुड बी सेम, यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट डोमेन नेम, आपको डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे मैंने डोमेन नेम सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो आपका डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, gmail.com मेरा है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए कुछ एरर यहाँ पे शो किया था, तो मैंने ये एरर मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी बोला गया है ईमेल आईडी देने के लिए, तो आप यहाँ पे पूरा ईमेल आईडी मत दीजिए, इस तरह हाफ दीजिए एंड डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके, जो आपका ईमेल आईडी पे जो डोमेन नेम है वही डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्फर्म ईमेल आईडी बोला गया है, देखिए लेकिन कॉन्फर्म ईमेल आईडी आप पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कीजिए। ओके, इसके बाद ये जो इमेज यहाँ पे शो कर रही है यहाँ पे टाइप कीजिए, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज शो करेगा, यहाँ पे देखिए आर यू श्योर यू द डाटा एंटर इज करेक्ट यस और नो, तो आप सिंपली ओके कीजिए। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा फ्रेंड्स, एंड आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड भी सेंड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे दिए गए हैं योर प्रोविजन रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर इज यहाँ पे दिए गए, एंड पासवर्ड भी यहाँ पे दिए गए, तो आप ये स्क्रीनशॉट करके रखें फॉर फ्यूचर के लिए। ओके, एंड फोटो सिग्नेचर आप अपलोड कीजिए, तो यहाँ पे देखिए अपना स्कैन पासपोर्ट से फोटो अपलोड कीजिए चॉइस पैज पर क्लिक करके, एंड यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कीजिए चॉइस पैज पर क्लिक करके। ओके, एंड सिग्नेचर यहाँ पे शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर एंड ब्लॉक लेटर नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद यहाँ पे आप डिटेल्स कलम फिलअप कीजिए, यानी अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स कलम आप फिलअप कीजिए, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स आप फिलअप कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले कैटेगरी यहाँ पे दीजिए, क्या आपका कैटेगरी क्या है, ओबीसी या एससी या एसटी हो आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ पॉपअप मैसेज शो करिए, प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन। ओके, तो आपको बोला जा रहा है करेक्टली आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो आप सिंपली आप ओके कीजिए। तो व्यूअर्स अगर आपने ओबीसी सिलेक्ट किया तो आपके पास नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजर्वेशन कोटा पे चांस नहीं मिलेगा। ओके, तो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आप अप्लाई कीजिए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सबकास्ट यहाँ पे लिखे अपना सबकास्ट क्या है, इसके बाद यहाँ पे देखिए सबकास्ट शुड बी सेम एज मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए आई कंफर्म दैट आई एम इन प्रोसेस विल प्रोड्यूस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इशू, अगर आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे चेकबॉक्स से टिक मार्क कीजिए, एंड इसके बाद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी आप यस और नो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपने यस सिलेक्ट किया तो यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देना पड़ेगा, आपको सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको कलम फिलअप करना पड़ेगा, ये सब कलम अगर यस किया तो ये सब कलम फिलअप करना पड़ेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर है आपके पास तो या जैसे कि आर यू सफरिंग फ्रॉम क्रिबल पालसी तो अगर यस और नो आप सिलेक्ट कीजिए, एंड यहाँ पे देखिए इफ यस अगर आपने यस सिलेक्ट किया तो डू यू नीड ए कॉम्पेंसेटरी टाइम्स आप यस और नो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, वेदर योर डोमिनेंट रिटन हैंड एंड इज अफेक्टेड यहाँ पे यस और नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद इफ यस डू यू नीड ए कॉम्पेंसेटरी टाइम इन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यस और नो आप सिलेक्ट कीजिए, डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब आप यस और नो सिलेक्ट कीजिए, आई एक्सेप्ट द गाइडलाइन फॉर स्क्राइब अगर आपने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक्सेप्ट चेकबॉक्स से टिक मार्क करना पड़ेगा। इसके बाद ये कलम आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, ये स्टार मार्क दिया गया है यहाँ पे देखिए रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन सा रिलीजन पे आप बिलोंग करते हो, हिंदू या मुस्लिम क्रिश्चियन हो जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, इसके बाद वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस और नो आप सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस और नो सिलेक्ट कीजिए, अगर ये सिलेक्ट किया तो पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, कितना पीरियड है आपका सर्विस का तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ऑकेशन ऑन व्हिच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर इन एसबीआई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे दैट इज नो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज ए चांस, अगर कौन सा मंथ पे आपका ओकेशन है वही ओकेशन उसी मंथ का मंथ यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे कि आप 6 जून 6 आप टाइप कर सकते हो, इसी तरह आप टाइप कीजिए।
तो मैक्सिमम आपको 2 डिजिट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ए रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर आपने SBI से कोई भी लोन क्रेडिट कुछ लिया है तो आप यस नो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद डू यू हैव ए एडवर्स रिपोर्ट इन रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ अटेंडेंस मॉडल ट्रिब्यूटेड, यस नो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आर यू एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस नो आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन ऑफिसर लेवल, अगर यस नो आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आर यू एक्स एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस नो आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आर यू एक्स एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजाइंड फ्रॉम द बैंक ऑफ बैंक वाइल द ऑफिसर कैडर्स, यस नो आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद प्लीज एंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, यस आप सेलेक्ट कीजिए। ओके नो सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर आप दीजिए, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंड नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, आप स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, कौन सा स्टेट पे आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद स्टेट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा एंड यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यानी जो अगर आपने आसाम सिलेक्ट किया तो आसाम के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे आप एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मेन एग्जामिनेशन, तो मेन एग्जामिनेशन कौन सा स्टेट पे देना चाहते हो तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद स्टेट कोड ऑटोमेटिक सेलेक्ट यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा। ओके इसके बाद आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग द अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, तो यहाँ पे आप टिक मार्क कीजिए इस बॉक्स पे एंड आईडी प्रूफ यहाँ पे दीजिए। कौन सा आईडी प्रूफ आपका नाम कौन सा आईडी प्रूफ से मिलता है उसी आईडी प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि पैन कार्ड आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आईडी प्रूफ का जो नंबर है, जैसे कि अगर पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट किया तो पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स कलम फिलअप कीजिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दीजिए एंड इसके बाद एज कंप्लीटेड एज एंड जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल एंड अदर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डू यू हैव इन ट्विन ब्रदर सिस्टर, आपके पास आपका ब्रदर एंड सिस्टर है या नहीं, यस नो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जेंडर आप सिलेक्ट कीजिए, मेल ब्रदर्स हो तो मेल या फीमेल कितना है आप सिलेक्ट कीजिए। ओके इसके बाद नेम एम ट्विन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, अदरवाइज ये कलम स्किप कर सकते हो। ओके इसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दीजिए, अनमेरिड मेरिड हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे फादर्स फर्स्ट नेम यहाँ पे दीजिए एंड मिडिल नेम आप अगर है तो दे सकते हो, अदरवाइज ये कलम स्किप कर सकते हो एंड लास्ट नेम आप दीजिए फादर्स का एंड इसके बाद मदर्स नेम फर्स्ट नेम दीजिए, इसके बाद मिडिल नेम स्किप कर सकते हो एंड अगर है तो दे सकते हो एंड मदर का लास्ट नेम यहाँ पे दीजिए एंड स्पाउस फर्स्ट नेम यहाँ पे दीजिए, अदर से स्किप कर सकते हो ये कलम एंड इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आप कलम फिलअप कीजिए, पहले फर्स्ट एड्रेस यहाँ पे दीजिए, सेकंड एड्रेस आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदर स्किप कर सकते हो एंड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए यानी टाइप कीजिए। इसके बाद स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कीजिए। अगर कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे चेकबॉक्स में परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स से टिक मार्क कीजिए। ओके इसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, चॉइस द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस, तो आपका एड्रेस GST इनवॉइस है आपके पास तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, यस और नो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपको 750 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी मैंने OBC सिलेक्ट किया है तो इसलिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे डायरेक्ट क्लिक करके आप ये पेज सेव कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपके सामने, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा यही पेज ओपन होगा, यानी अपना क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पेज ओपन होगा। यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका कलम फिलअप करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए आर्ट्स साइंस कौन सा स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए एंड अगर आप एपीआर्ड हो या पास्ट हो तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे टिक मार्क कीजिए। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे दीजिए, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट कौन सा ये कॉलेज कौन सा प्लेस पे है वही प्लेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पासिंग ईयर डेट एंड ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद परसेंटेज कितना परसेंटेज है आपका तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद क्लास एंड ग्रेड आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ओके इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट ड्यूअल डिग्री अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम एंड यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंड सेम उसी तरह आपका परसेंटेज एंड ग्रेड आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे यह सब कलम फिलअप कर सकते हो। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो यह सब कलम आप फिलअप कीजिए, अदर्स कोई भी क्वालिफिकेशन है तो यह सब कलम आप फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अदर डिटेल्स में देखिए यहाँ पे यह सब कलम फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये मैंडेटरी
मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सब मैंडेटरी है। जैसे कि लैंग्वेज नोन, हमारा क्या क्या लैंग्वेज आप जानते हो, ये सब लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लिखिए, एंड आप रीड कर सकते हो या नहीं, राइट कर सकते हो या नहीं, स्पीकिंग यानी आप बोल सकते हो या नहीं, आप टिक मार्क कीजिए। ओके, इसके बाद अगर दूसरा लैंग्वेज आप जानते हो तो यहाँ पे टाइप कीजिए। इसके बाद सेम रीड कर सकते हो या राइट यानी लिख सकते हो या स्पीकिंग कर सकते हो या नहीं, आप टिक मार्क कीजिए। ओके, ये सब कलम फिलअप करने के बाद दोबारा एक बार चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो एजुकेशन डिटेल्स कलम फिलअप करने के बाद आपका सामने प्रीव्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए, दिस इज प्रीव्यू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। आप ये स्क्रीनशॉट करके रखें, अदरवाइज प्रिंट आउट करके रखें फॉर फ्यूचर के लिए। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। तो ये प्रीव्यू पेज आप नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन पेज है। जैसे कि यहाँ पे आई एग्री चेकबॉक्स से टिक मार्क कीजिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो तीनों चेकबॉक्स है यहाँ पे टिक मार्क कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए I confirm that this is my signature। यहाँ पे अपना सिग्नेचर या कॉन्फर्म चेकबॉक्स में टिक मार्क कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन में, इस बटन पे आप सिंपली क्लिक कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ पेपर में से शो करेगा, शायद ये कुछ एरर सा होगा, तो प्लीज़ चेक, यानी दोबारा चेक करने के लिए बोला जा रहा है। आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एक्जैक्टली मैचेस विद द नेम ऑफ आई डी प्रूफ। देयर इज अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल बींग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम। ये सेंटेंस मुझे चेक करने के लिए बोला जा रहा है, तो ओके कीजिए यहाँ पे। तो ये सेंटेंस यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लाइन दिया गया, देयर इज अ चेंज इन माई नेम। अगर मेरा नेम चेंज नहीं किया है मैंने, तो ये चेकबॉक्स में टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस चेकबॉक्स में टिक मार्क कीजिए, ये दोनों चेकबॉक्स में टिक मार्क कीजिए। इसके बाद ये चेकबॉक्स में टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आप दोबारा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑन कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर नो चेंज ऑफ डाटा। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप कोई भी डाटा चेंज नहीं कर पाओगे, तो सिंपली आप ओके बटन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर टू कंटिन्यू, आप ओके कीजिए। इसके बाद अपलोड सेक्शन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रिजन, यानी अपना अंगूठा का छाप यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, यानी अपलोड करना ही पड़ेगा आपको लेफ्ट थंब। तो चॉइस पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। फाइल जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए। उसका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, अपना डिक्लेरेशन पेज आपको अपना खुद हैंडराइट से डिक्लेरेशन पेज आपको लिखना पड़ेगा, एंड इसको फोटोशूट कीजिए। उसके बाद चॉइस पर क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। इसके बाद ये जो इमेज यहाँ पे शो कर रहा है, ये इमेज यहाँ पे टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए साइज शुड बी बिटवीन 20 KB एंड मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, तो आप साइज मेंटेन कीजिए। ओके, इसके बाद आप चॉइस पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। इसके बाद फाइनल अपलोड होने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। तो अपना फिंगरप्रिंट इमेज अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह आपका फोटो यानी पिक्चर यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे देखिए ओके एंड क्लियर दो बटन दिया गया है, या अगर क्लियर बटन पे क्लिक किया तो आप बेटर क्वालिटी वाला पिक्चर आप अपलोड कर सकते हो, एंड ओके बटन पे क्लिक किया तो नॉर्मल क्वालिटी वाला आप पिक्चर अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप क्लियर बटन पे क्लिक कीजिए। ओके, इसके बाद सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए चॉइस पर क्लिक करके हैंड राइटिंग भी अपलोड कीजिए डिक्लेरेशन पेज। ओके, तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे दोबारा क्लिक कीजिए। तो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक परफॉर्मेंस शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे यस और नो, यानी कि प्लीज़ इफ़ यस क्लिक ओके, अदरवाइज कैंसिल बटन पे क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है। अगर फाइनल सबमिट करने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे, इस तरह एक परफॉर्मेंस यहाँ पे शो कर रहा है, तो सिंपली आप ओके कीजिए। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ओबीसी के लिए 750 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो इमेज दिए गए हैं, यही इमेज यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यानी टाइप कीजिए। इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस शो करें दोबारा, डू यू वॉन्ट टू सबमिट, तो प्लीज़ आप ओके कीजिए। इसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन होगा। तो आप किस तरह आप पेमेंट करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन से आप पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हो, जो भी है आप यहां से आप चॉइस कीजिए। तो अगर आप डेबिट कार्ड चॉइस किया तो यहां पे कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, एक्सपायर मंथ एंड डेट देना पड़ेगा, इसके बाद CVV देना पड़ेगा, इसके बाद कार्ड होल्डर नेम देना पड़ेगा, इसके बाद मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कीजिए। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पे पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं अभी पेमेंट करना नहीं चाहता हूँ। तो फ्रेंड इस तरह आप वेरी इजीली SBI पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों का रिप्लाई डेफिनेटली दे दूंगा फ्रेंड्स। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।